कहां हैं आपके पुराने 500,000 के नोट? किसके पास हैं आपके पुराने 500,000 के नोट? आपके पुराने नोटों के साथ क्या हो रहा है? आपके पुराने 500 और 1,000 के नोटों के साथ कुछ ऐसा ही हश्र किया जा रहा है। आपने कभी सोचा भी होगा कि आप जिन नोटों के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं उनका ये हश्र होने वाला है। जी हाँ, इन नोटों को मशीन से काटा जा रहा है। इसके बाद इनकी ईंट बनाई जा रही है और फिर उन ईंटों को नीलाम कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाएगा। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। आरबीआई के मुताबिक 30 अगस्त 2017 तक बैंकों के पास 15,28,000 करोड़ पुराने नोट वापस आ गए, लेकिन इन जमा नोटों का बैंक क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया था। नोट चलन से बाहर हो चुके थे, इसलिए वापस बाजार में तो आएंगे नहीं, फिर बैंक इन नोटों का क्या करेगी? आरटीआई द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आरबीआई ने दिया कि इन पुराने नोटों का नियमों के मुताबिक विघटन किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक नोटों की वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद उनको ब्रिकेट सिस्टम के जरिए ब्रिक्स तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इन नोटों को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद इन नोटों को ऐसे ही मशीनों में डालकर काटा जा रहा है। कटे हुए नोटों को फिर से ब्रिकेटिंग मशीन में डाला जा रहा है, जहां नोटों को दबाकर उनकी ईंट बनाई जा रही है। नोटों को ईंट की शक्ल देने के बाद इन ईंटों की नीलामी कर दी जाएगी और नोट के ईंटों का इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाएगा। वीडियो टेस्ट, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।